इन दिनों हरियाणा की राजनीति में चल रही हलचल में प्रमुख चेहरे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गृह मंत्री अनिल विज हैं। जी हां, सुर्खियों में इन दोनों नामों के आने की असल वजह सीआईडी विभाग है, जिसका सरकार बनने के चौथे महीने भी ये नहीं पता रहा कि सीआईडी किसकी निगरानी में काम करेगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल या गृह मंत्री अनिल विज। इसी बीच मीडिया को दिए गए बयानों में भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने आपस में कोई मनमुटाव न होने की बात कही, लेकिन सोशल मीडिया पर यही बातें वायरल होती रही कि दोनों में सीआईडी विभाग को लेकर खींचातानी चल रही है। इसके बाद मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राई विधानसभा से विधायक मोहनलाल बडोली से अर्थ प्रकाश संवाददाता देश त्यागी ने इस खींचातानी को लेकर बडोली से जब सवाल किया तो देखें इन्होंने क्या कहा। हरियाणा विधानसभा में ये कल का स्पेशल 2020 का पहला सत्र था और 2020 में ये जो विधायक नई विधानसभा हरियाणा की बनी है उनका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 2 दिन का, जिसमें ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो आएंगे और अन्य जो वरिष्ठ राजनीतिक हैं मुख्यमंत्री रहे हैं जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं जिनका अच्छा लंबा अनुभव राजनीति का रहा है वो सब अब अपना अनुभव शेयर करेंगे और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोगों के लिए काम करना होता है सरकार ने वो उसके बारे में पूरा बताएंगे और एक अच्छा प्रोग्राम है ये प्रशिक्षण का वो आज होगा। जी का और अनिल विज जी का कोई जो सही बात है उसको मिर्च मसाला लगा के मीडिया में पेश ज्यादा किया जाता है, वास्तव में इसमें कुछ भी नहीं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।